दोस्तों आज की इस वीडियो में हम वर्गमूल भाग विधि से बनाने के लिए सीखेंगे, तो मेरे साथ बने रहिएगा तो आप आसानी से सीख जाइएगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि जोड़ा अंक लगाते, ये जोड़ा अंक लगा दिए, ये भी जोड़ा अंक लगा दिए, कोई तरह की दिक्कत नहीं। देखिए इसमें भी जोड़ा अंक लग गया, इसमें भी लगा दिया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ हम लगाने की कोशिश करते हैं, अगर जहाँ पर लगाते हैं 6 6 36 कम होता है, अगर जहाँ लगा देते हैं 7 7 49, अगर 8 8 64 ज़्यादा हो जाता है तो हम लगा देंगे कहते हैं 7 7 49। यहाँ पर भी 7 देते हैं और यहाँ प्लस का चिन्ह देते हैं और यहाँ पर 49 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर भी 7 लिखते हैं, 7 लिख दिए और इस दोनों को जोड़ेंगे तो 7 7 14 हो गया। अब इसको हम घटाएँगे तो 1 पहचा देंगे तो हो जाएगा 16, और 16 में से 9 घटाएँगे तो यहाँ बच जाएगा 7। ये कट गया, अब ये दोनों अंक उतर जाएगा यहाँ पर। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा अब यहाँ पर हम कितना अंक रखेंगे जो हमको इतना आ जाएगा, या इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम आएगा तो आएगा लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम कितना अंक रखेंगे अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लेते हैं तो 14 है। अब 14 पर कितना अंक रखेंगे जो हमको बन जाएगा, हम देखिए 4 से रखते हैं, देखते हैं 4 से गुणा करने के बाद पूरा है तो 4 4 16 6 1 14 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
लगा दीजिएगा, हाँ लगा देखते हैं, 14 और 5 से लगाते हैं, देखिए तो 25 का 5 बाकी 2, 14 25 70, 2 72, ये लग गया। कितना बार में लग जाएगा? यहाँ पर हम 5 बार में लगा देंगे। कितना बार में लगाएंगे? यहाँ पर भी 5 लिख देंगे और यहाँ 5 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर 725 है तो 25, और माइनस का चिन्ह है माइनस, यहाँ प्लस है तो प्लस। अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो 10 को 0 बाकी 1, 4 1 5, यहाँ पर 1 लिख दिए और ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। आ गया कितना हमको? 75। हमको एस सी एफ बराबर आ गया हमको कितना, यानी 75। अगर आपको कोई पूछ दे कि नहीं 5625 का लघुत्तम समावर्तक, सॉरी, अगर आपको कोई पूछ दिया कि 5625 का वर्गमूल कितना होगा तो आप क्या बोलिएगा? 75। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।